morning, my dear students. Welcome back to the class. So this video is for class first. Subject is computer. Chapter number 3, that is parts of a computer. Chapter number 3 क्या है बेटा? Parts of a computer. हम इस chapter में computer के parts के बारे में discuss करेंगे. Okay. So first of all, before we start the chapter, you just take a screenshot of your mobile screen. Take a screenshot of your mobile screen so that you can do these hard words easy. Okay, hard words board पे मैम ने लिख रखे हैं ना बेटा, आपको screenshot लेना है. आता होगा screenshot लेना? अगर नहीं आता आप बच्चों को, तो आप अपने मम्मा पापा पैसे किसी से भी बोल सकते हो कि वो आपको screenshot लेके दे दें. Take a screenshot of your mobile screen. Clear? Done? Okay. Read with me the hard words of this chapter. That is, first, T-E-L-E-V-I-S-I-O-N, television. Speak with me. T-E-L-E-V-I-S-I-O-N, television. Second, P-R-O-C-E-S-S-I-N-G, processing. P-R-O-C-E-S-S-I-N-G, processing. Okay, next, visual, 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 visual. Next, brain, 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 brain. Next, touch, touch, screen, screen, touch, screen, touch, screen, screen, touch, screen. Next, Q-U-E-Q-E, Q, okay, Q-U-E-Q-E, Q, Q means Qatar, line. C-O-N-S-U-L-T, consult, C-O-N-S-U-L-T, consult. Next, S-T-R-A-I-G-S-T, straight, S-T-R-A-I-G-S-T, straight. C-O-M-M-A-N-D-S, commands, C-O-M-M-A-N-D-S, commands. M-A-N-N-E-R-S, manners. Okay, beta? Okay, now, open, take out your book and open page number 16. Page number 16 open karenge. Chapter number 3, that is, parts of a computer. Click, okay, beta? Open kar li? Okay, read with me. Dekho, robo. Robo keh raha hai. Your body, यहाँ से start करेंगे, okay? Your body has many parts like eyes, ears, brain, hands. A computer also has many parts. जैसे आपकी body के अंदर बहुत सारे parts है, eye, ear, mouth, lips, hands, legs. वैसे ही computer की body में भी बहुत सारे parts होते हैं. कौन कौन से होते हैं? Let us discuss. The main parts of a computer are, एक computer के जो main parts होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वो हम discuss करते हैं पहले. Monitor, M-O-N-I-T-O-R, monitor. Next, keyboard. देखो picture में दिख रहा है ना आपको, picture से. Keyboard, pictures के through देख लेंगे आप, जिससे आपको picture भी पता चल जाएगी. Monitor, keyboard. Keyboard, K-E-Y-B-O-A-R-D, keyboard. CPU box, CPU box, CPU, देखो ये होता है CPU, ये होता है box, इसके अंदर होता है Intel, CPU. Mouse, M-O-U-S-E, mouse, clear बेटा? Main parts देख लिए, monitor, keyboard, CPU and mouse. आप page number 17 पे आएंगे, let us learn about these one by one. अब हम इनके बारे में सीखते हैं वन बाय वन, इन सारे पार्ट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है मॉनिटर. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन. एक मॉनिटर किसकी तरह दिखाई देता है बेटा? हमारे टीवी स्क्रीन की तरह, टेलीविज़न स्क्रीन की तरह. इट्स शोज व्हाट द कंप्यूटर इज़ डूइंग फॉर यू. ये हमें दिखाता है कि कंप्यूटर हमारे लिए क्या कर रहा है. हम कुछ भी काम कंप्यूटर पर करते हैं तो वो हम किसके थ्रू देखते हैं? मॉनिटर स्क्रीन के थ्रू. ओके बेटा, यू कैन वॉच मूवीज लाइक रोबोट, स्पाइडरमैन, टॉम एंड जेरी, हनुमान एंड सुपरमैन ऑन. आप इसके ऊपर मूवीज़ भी देख सकते हो, जैसे
हनुमान, स्पाइडरमैन, टॉम एंड जेरी, रोबोट, ये सारी मूवीज भी हम इसके ऊपर देख सकते हैं। अब देखो, डू यू नो, जो बॉक्स है ना रेड कलर का, इसमें पढ़ेंगे। देखो, द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दिखाई देने वाली डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मीन्स दिखाई देना, ठीक है बेटा। मॉनिटर को और क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। ओके, फिर देखो नेक्स्ट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फर्स्ट, दिस इज अ CPU। रोबो क्या कह रहा है? देखो, दिस इज अ CPU, दिस इज अ CPU। ये CPU बॉक्स है और इसके अंदर जो कोड डलती है, जो क्लिप डलती है, वो होता है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। टर्न द पेज, पेज नंबर 18 पे आएंगे बेटा। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो CPU मतलब क्या होता है? CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। ये किसके अंदर होता है? CPU, CPU बॉक्स जो होता है ना हमारा, उसके अंदर एक क्लिप डली हुई होती है। इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन होता है, वैसे कंप्यूटर की बॉडी का ब्रेन कौन सा होता है? CPU। कौन होता है कंप्यूटर की बॉडी का ब्रेन? CPU, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन के थ्रू हम सारा वर्क करते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर में भी सारा वर्क जो होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल और मैनेज किया जाता है? CPU के थ्रू। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू डू डिफरेंट थिंग्स। ये हेल्प करता है कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें करने के, अलग अलग चीज़ें करने के लिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट कीबोर्ड। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर के बारे में पढ़ा, मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह होता है, इसके ऊपर हम बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो हमें किस, कंप्यूटर जो भी करता है वो हम किसके थ्रू देख सकते हैं? मॉनिटर पर देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा CPU, CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर के एक ब्रेन की तरह होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है वैसे कंप्यूटर में भी ब्रेन होता है, उसको CPU कहते हैं। CPU बॉक्स के अंदर होता है और इसमें हम अलग अलग चीज, इसमें कंप्यूटर की अलग अलग चीज़ें इसके द्वारा, ये हेल्प करता है कंप्यूटर को अलग अलग वर्क करने के लिए। अब पढ़ेंगे हम कीबोर्ड। दिस इज अ कीबोर्ड, पिक्चर दिख रही है ना कीबोर्ड की आपको? दिस इज अ कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी स्मॉल बटन्स कॉल्ड की। कीबोर्ड्स के ऊपर छोटे छोटे बटन्स होते हैं ना बेटा, उनको क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? KEYS, कीज। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ की ऑन द कीबोर्ड। एक कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज होती हैं। बाय प्रेसिंग दीज कीज यू टाइप एनी लेटर और नंबर। इन कीज को प्रेस करने पे, दबाने पे हम किसी भी लेटर को, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। ये हेल्प करता है हमें कंप्यूटर पे कमांड देने पे। कंप्यूटर को कोई ऑर्डर देते हैं हम, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्क करने के लिए, तो हम किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया कीबोर्ड। अब हम पढ़ेंगे माउस। अ माउस हैज़ टू और थ्री बटन्स ऑन इट। एक माउस पे दो या तीन बटन होते हैं, सिर्फ दो या तीन बटन होते हैं। यू गिव कमांड्स यूजिंग द माउस टू। आप कमांड्स माउस के थ्रू भी देख सकते हैं। हम जैसे हमने अभी पढ़ा कि कीबोर्ड के थ्रू हम कोई कमांड देते हैं, माउस के थ्रू भी हम कमांड दे सकते हैं। आप पेज नंबर 19 पे आएंगे बेटा। यू ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग अ माउस। हम माउस के थ्रू पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। माउस पर क्लिक करके हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं ना। यू ऑल्सो प्ले गेम्स यूजिंग अ माउस। हम माउस के थ्रू गेम्स भी खेल सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब रिमेंबर बॉक्स में देखो। रिमेंबर बॉक्स जो आपको रिमेंबर बॉक्स होता है उसमें पढ़ेंगे, उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। कमांड्स आर द इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव टू अ कंप्यूटर। मैंने बताया ना, कंप्यूटर पे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी निर्देश देते हैं कि वो कैसे काम करेगा, वो क्या होते हैं? कमांड्स होते हैं। द मॉनिटर CPU कीबोर्ड एंड माउस वर्क टुगेदर एंड फ्रॉम अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। मॉनिटर CPU कीबोर्ड माउस सब एक साथ काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में के लिए, सब के सब एक साथ काम करके काम पूरा करते हैं। ठीक है बेटा। नाउ अबाउट, नो अबाउट टच स्क्रीन कंप्यूटर। ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। तो आज आपको क्या करना है, इन फोर पार्ट्स को अच्छे से डिटेल, अच्छे से बुक में जो आपकी डिटेल दी हुई है उसको पढ़ना है, उसको रीड करना है,
और ट्राई टू लर्न इट, उनको लर्न करने की कोशिश भी करनी है कि कौन सा पार्ट कैसा वर्क करता है. ओके बेटा, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक नो अबाउट द टच स्क्रीन कंप्यूटर. यहाँ से हम कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे. आपको आज के लिए इधर जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया वो रीड करना है एंड डू दिस हार्ड वर्क्स इन योर नोटबुक. क्लियर? सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.